अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है स्टेट पुलिस में, तो फिर अगर ट्रेनिंग टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तब क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद में अगर आपका स्टेट पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है तब क्या होता है, या मान लो आपका सिलेक्शन हो गया चाहे स्टेट पुलिस हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम, जिनको मान लो आप यहाँ से पहले एग्ज़ाम देके जाते हो उनके रिजल्ट फिर बाद में आते हैं टीचर में कईयों के, ये सिलेक्शन हो जाते हैं ट्रेनिंग में, बहुत लोगों के ऐसे सिलेक्शन होता है, तो उनका क्या होता है, तो उनके लिए अगर आप वो ट्रेनिंग में आपको डिपेंड करते हैं आप कितने दिन ट्रेनिंग किए हो, रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ पैसे होते हैं जो जमा कराने होते हैं, ट्रेनिंग का जो चार्ज आपका जितना रुपए गवर्नमेंट पे करती है वो आपको पूरा का पूरा पैसा जमा करना पड़ता है। हाँ ज़्यादा पैसा नहीं होता आपको बता दूँ, उसमें एक दो चार महीने की पेमेंट होती है और बस तीन महीने के पेमेंट के साथ वो पैसा जमा कराना पड़ता है, तो आप लगा सकते हो कितने पैसे हो गए 85,000 रुपये के आसपास अगर आप ट्रेनिंग में जाते हो, हाफ ट्रेनिंग के पहले जाते हो तो बस इतना ही, अगर हाफ ट्रेनिंग के बाद में जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा सकते हो 80-90,000 रुपये के आसपास आपको पैसे जमा कराने होते हैं, आपको लिख के देना होता है कि हाँ मैं इस जॉब अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा हूँ और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, इस प्रकार में उस कुछ जॉब को करना चाहता हूँ, तो आप अनुमति मांगते हो। फिर उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो दोस्तों आपका डिस्चार्ज होगा तो आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे, जैसे आपका डिस्चार्ज होगा डिपार्टमेंट से कि हाँ आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, आप डिपार्टमेंट से जा सकते हो, आपको परमिशन मिल जाती है, वो पैसे जो आपको मैंने बताया वो जमा करना पड़ते हैं एक बिल के रूप में, क्योंकि आपका ट्रेनिंग पे जो खर्चा होता है वो पूरा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जितना मैंने बताया इसके आसपास ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, कईयों को घबराहट हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसके साथ में आपको देना पड़ता है आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट जैसे ही आप वहाँ पर जाते हो ग्रुप सेंटर में जहाँ से आपका डिस्चार्ज होता है, आपका जो भी सामान किट में मिलता है वो सारा का सारा सामान जमा होता है, कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि किट का पैसा लगता है कि नहीं, किट बिल्कुल फ्री मिलता है, ठीक है, उसमें कुछ एक आइटम होते हैं जिनके पैसे लगते हैं वो बाद में कट जाते हैं, लेकिन हाँ सभी सामान का पैसा नहीं लगता, कुछ आइटम होते हैं जैसे 10% आइटम होते हैं उनमें जिनका पैसा लगता है, बाकी पूरा का पूरा किट फ्री मिलता है, ये भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि फ्री नहीं मिलता, फ्री मिलता है। हाँ तो आपको जो किट मिलता है वो किट में जो जो सामान मिलते हैं वो सारा का सारा सामान आपको वापस जमा कराना होता है, वो सामान आपके जैसे भी जमा हो जाता है उसके बाद में आप लिख के वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो एप्लीकेशन आप जमा कराते हो आपको तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मिल जाते हैं, टाइम लग सकता है 1-2 दिन का, लेकिन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और आप इस प्रकार से दूसरी फोर्स में जाके या जो जॉब है उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो जय हिंद, और भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हो तो बता दीजिए, बिल्कुल हमको जितना पता है उतना बता देंगे।